हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए दमदार वीडियो में। आज हम एक विषय के साथ उपस्थित हुए मेरे प्रिय मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये वीडियो बहुत ही खास मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि अंत का समय चल रहा है, प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। इसलिए हमें बाइबल का नॉलेज जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ही वचन ही परमेश्वर। मेरे प्रियजनों, अंत का समय चल रहा है, हमें इस वीडियो को पूरा देखना है और समझना है और सीखना है। ये 10 चिन्ह बताता है कि यीशु मसीह का आना निकट है। मेरे प्रियजनों, वीडियो को ध्यान से देखना है। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे हमारे वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। मेरे प्रियजनों, आप देख ही रहे हैं, जगह जगह युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रही है। एक देश दूसरे देश को मारने पे लगा हुआ है और दूसरा देश दूसरे देश को जान से मारने में तुले हुए हैं, बमों से, मिसाइलों से, हथगोलों से, बम से मारने में लगे हुए हैं। ये सब मेरे प्रियजनों भविष्यवाणियां हमें बाइबल में देखने के लिए मिलती हैं, जैसा कि जकरिया ने भविष्यवाणियां किया था और आज वैसा ही हो रहा है। जैसा यीशु ने बताया था वैसा ही हो रहा है। आप देख ही रहे हैं, इजराइल से युद्ध हो रहा है, फिलिस्तीन से युद्ध हो रहा है, मेरे प्रियजनों गाजा से युद्ध हो रहा है। हर एक एक देश के ऊपर, हर देश दूसरा देश उस देश के ऊपर चढ़ाई कर रहा है, अगला देश दूसरा देश चढ़ाई के ऊपर चढ़ाई, चढ़ाई के ऊपर चढ़ाई, मतलब युद्ध के ऊपर युद्ध, युद्ध के ऊपर युद्ध होते जा रहे हैं मेरे प्रियजनों। और बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, लाश से ही लाश से पड़ी हैं, किसी के लिए कोई छाती नहीं पिट रहा, लाश से ही लाश से पड़ी हुई हैं। ये सब अंत का समय है, जैसा कि यीशु ने कहा था, जब ऐसा समय आएगा जब एक देश दूसरे देश के ऊपर चढ़ाई करेगा, जान लेना प्रभु आने वाला है, वरन द्वार ही पर खड़ा हुआ परमेश्वर है। यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्द होने वाला है। मेरे प्रियजनों, आइए हम इस वीडियो में देखते हैं, हम वचन से देखते हैं, वचन से जानेंगे कि यीशु ने क्या कहा था और जकरिया ने भविष्यवाणी की थी, साफ साफ किया था। मेरे प्रियजनों, मत्ती की किताब बताती है 24 अध्याय के 3 वचन से 4 वचन तक हम पहले पढ़ते बाइबल से प्रूफ। और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कहे कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा। हालेलुया, यहाँ पर बाइबल साफ कहती है, मेरे प्रियजनों परमेश्वर का वचन साफ कहता है, जब यीशु मसीह एकांत में, जब जैतून पहाड़ पर यीशु मसीह बैठा था, तब चेले अलग आकर यीशु मसीह के पास आए और कहने लगे, हे गुरु, हे रब्बी, हे प्रभु, हमसे बता दे ये बातें कब होंगी, तेरे आने के और इस जगत के अंत का चिन्ह क्या है, हमें बता दे वो चिन्ह तूने क्या ठहराया है। आगे यीशु ने साफ और पावरफुल एक बात बोली थी, ध्यान से वीडियो देखना, आपको बहुत अच्छे से और गहराई से आपको समझ में आएगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा, तुम यीशु को जानोगे और मेरा परमेश्वर आपको आजाद करेगा। आगे 4 वचन में लिखा, मत्ती 24 के 4 वचन में, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। यहाँ पर वचन साफ साफ खुलासा करता है, मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने अपने चेलों से एक बात कही थी कि तुम सावधान रहना, कोई मनुष्य, कोई झूठा नबी, कोई झूठा पास्टर, कोई झूठा प्रोफेट, कोई मनुष्य, कोई शैतान तुम्हें भरमाने ना पाए, तुम्हें विश्वास से भरमाने ना पाए, तुम्हें भटकाने को ही ना पाए। बाइबल कहती है क्योंकि बहुत से लोग आएंगे और क्या कहेंगे, मैं मसीह हूँ, मैं मसीह पर विश्वास करता हूँ। यहाँ वे दावा ये भी करेंगे कि मैं ही मसीह हूँ, मैं ही मसीह हूँ, मैं ही मसीह हूँ। मेरे प्रियजनों, आगे बाइबल बताती है 6 वचन में, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूइन डोल होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी, पीड़ाओं का आरंभ होंगी। हालेलुया, यहाँ पर बाइबल कहती है तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य, बाइबल बताती है। मेरे प्रियजनों, आप देख रहे हैं, इजराइल से युद्ध हो रहा है, इजराइल से, हमाम से,
मेरे प्रियो फिलिस्तीन से हर एक दूसरे देश के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, इतने खतरनाक युद्ध हो रहे हैं कि लाखों लोग मारे जा रहे हैं युद्धों के दौरान। मेरे प्रियो बमों से, तोबों से, हथगोलों से, हथियारों से मारे जा रहे हैं। ये भविष्यवाणी बाइबल में लिखी है, साफ साफ परमेश्वर यीशु मसीह का वचन कहता है। यह अंत के समय की बात है, जब चेले लोग यीशु मसीह से पूछने के लिए आए थे, तब यीशु मसीह ने ये अंत की बातें बता रहा था कि जब ये सब बातें होंगी तो तुम समझ लेना, तुम जान लेना कि मेरा आना निकट है, मेरा आना नजदीक है, मरण मैं द्वार ही पर खड़ा हूँ। बाइबल साफ साफ कहते मेरे प्रियों, और क्या होंगे, अकाल पड़ेंगे, भूइंडोल होंगे, अब भूकंप भी आएंगे, भूख मरी भी आएगी, इतना हाहाकार मचा होगा। और आज हम वैसा ही देख रहे हैं, इजराइल के अंदर युद्ध इतना बड़ा हो रहा है, इजराइल, हमाम, फिलिस्तीन। मेरे प्रिय, सब भविष्यवाणियां हम बाइबल के अंदर देखते हैं, जो जाकरिया भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की थी, और आज वैसा ही हो रहा है, ये सब बातें पूरी हो रही हैं। मेरे ख्याल से है कि समय अब ज़्यादा बचा हुआ नहीं है, समय अब नहीं है मेरे प्रियो, इसलिए हमें किसी पास्टर या प्रोफेट के पीछे हमें नहीं भागना है, हमें वचन पर चलना है कि खुदा का कलाम क्या कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है मेरे प्रियो। क्योंकि यदि कोई पास्टर के पीछे कोई भागता है, याद रखना वो गुमराह हो जाएगा गारंटी के साथ। इसलिए बाइबल कहती है यीशु के वचन पर चलो, हमें परमेश्वर पिता के वचन पर चलना है कि परमेश्वर का वचन हम सबसे क्या कहता है, खुदा का वचन हम सबसे क्या कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कोई शैतान, कोई दुष्ट आत्मा, कोई मनुष्य तुम्हें भरमाने ना पाए, तुम विश्वास से भटकाने ना पाए, तुम्हें कोई पाप में गिराने ना पाए, तुम इनसे सावधान रहना और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लेना। इसलिए मेरे प्रियों, सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। और आगे लिखा, हम लास्ट का वचन पढ़ते हैं, जैसा कि मत्ती 24 का 14 वचन लिखा हुआ है, और राज का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। आप देख रहे हैं परमेश्वर का वचन कितनी जोरों से पूरी दुनिया, पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है मेरे प्रियों, पूरे वर्ल्ड में फैल चुका और फैल रहा है। आप देख रहे हैं कितना सताव हो रहा है, कितना लोगों को सताया जा रहा है, ये सब बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी हो रही है। बाइबल कहती है, यीशु मसीह का वचन, परमेश्वर का कलाम कहता है, जितने यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन सबको क्लेश उठाना होगा, वे सब सताए जाएंगे, परंतु हमें सब सताव झेलकर हमें स्वर्ग देगा परमेश्वर। और आगे लिखा है मेरे प्रियजनों, मत्ती 24 के 23 वचन में लिखा हुआ है, उस समय यदि कोई कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो प्रतीति ना करना, मतलब विश्वास नहीं करना है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा देंगे। देखो मैंने तुमसे पहले से यह सब कह दिया है, इसलिए वे तुमसे कहें देखो वह जंगल में है तो बाहर ना निकल जाना, देखो वह ठीरियों में है तो प्रतीति न करना, क्योंकि बिजली पूर्व से निकल कर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही परमेश्वर का भी आना होगा, वैसे ही परमेश्वर का आना होगा। यहाँ पर बाइबल साफ कहती है मेरे प्रियजनों, झूठे मसीह, झूठे पास्टर, झूठे नबी भविष्यवक्ता जो भविष्यवाणियां करते हैं, झूठी झूठी भविष्यवाणियां करेंगे, झूठे चमत्कार दिखाएंगे, उनके पास इतनी सामर्थ्य होगी मेरे प्रियजनों कि वे आसमान से आग उतार देंगे, इतनी उनके अंदर सामर्थ्य होगी। इसलिए मैं किसी पास्टर या प्रोफेट के ऊपर विश्वास नहीं करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, मैंने एलिया को यीशु मसीह के साथ होटल में खाना खाते देखा, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, तो परमेश्वर का वचन कहता है सावधान रहना, सावधान रहना, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। ये ऐसे लोग होंगे, झूठे नबी लोग, कि ये हो सकेगा ये चुने हुए को भी भरमा देंगे, मतलब क्या, चुने हुए भी भ्रमित तो हो सकते हैं बाइबल कहती है। इसलिए हमें पहले से जीवित कलाम कहता है, यीशु का कलाम कहता है, हमें परमेश्वर के वचन पर चलना है। ये चिन्ह बताते हैं कि यीशु का आना निकट है। आज इतना युद्ध हो रहा है और युद्ध हो रहा, आप लोग प्रार्थना कीजिए कि युद्ध शांत हो जाए मेरे प्रियों, क्योंकि यीशु मसीह भी आने वाला है। हमें अपनी तैयारी बना के रखना है, हमें अपनी तैयारी बना के रखना है, दुल्हन तैयार है परमेश्वर का वचन कहता है। हमें 5 समझदार कुंवारियों की तरह तैयार रहना है। ऐसा नहीं है कि हम दूसरे लोगों के लिए प्रार्थनाएं
करते हैं और दुआएं करते हैं और हम ही पाप करते हैं, हम ही लड़कियों से बात करते हैं, गलत काम करते हैं, तो परमेश्वर उसे स्वर्ग नहीं देगा। इसलिए अपने आप को पहले बचा लो मेरे प्रियजनों, तब दूसरे को बचाना। खुद बचना काफी नहीं, औरों को भी बचाना जरूरी है मेरे प्रियजनों, मगर पहले अपने आप को तैयार करो। हमें पाप से व्यभिचार से दूर रहना है, क्योंकि प्रभु यीशु आ रहे हैं। परमेश्वर आ रहा अपने दुल्हन को लेने, परमेश्वर आ रहा अपनी कलीसिया को लेने। ये चिन्ह आप देख रहे, इतना युद्ध हो रहा है, तो आप संचेत हो जाओ और सावधान हो जाओ। प्रार्थना करो, दुआ करो और पश्चाताप करो और वचन पर ध्यान दो कि खुदा का कलाम क्या कहता है, परमेश्वर का कलाम क्या कहता है, जो जीवित कलाम जो आपसे बोलता है, परमेश्वर का कलाम जो आपसे बोलता है। इसलिए हमें तैयार रहना है, हमें रेडी रहना है कि जब खुदा आए तो उसके साथ हम चले जाए, यीशु मसीह के साथ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप जागते रहें और प्रार्थना करते रहें। किसी के ऊपर विश्वास मत कीजिए, वचन पर विश्वास करो, क्योंकि वचन परमेश्वर है। यीशु मसीह पर विश्वास करो, परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मिलता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे हमारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को, जीवित परमेश्वर चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि लोग बातों को जान सके और तैयारी बना सके। यीशु मसीह के नाम में सलाम, जय मसीह की।